अभी थोड़ा सा उस पर झूलू, पर डर लगता है कल तक मेरा मुंह ये चौकड़ा हो गया फिल्टर। तो लाओ भाई जानी दी, दो जजाक अल्लाह। चलता ईदी ईदी खुशी से जो भी आ रहा है उसको थैंक यू। जल्दी आ, मेरी दिल नहीं लगता, ये हमारा छोटा सा डोरेमोन है, दिल नहीं लगता। अरे ये तो बहुत सही है। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो हमारी सुबह हो चुकी है, अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 12 के आसपास हो रहे हैं। बताओ आप लोगों को टाइम, अरे बाप 12:30 हो गए। तो गाइज हमारा नाश्ता पानी मस्त हो गया है और अब आज है पीर है, इतवार है ना जब नमाज, आज है संडे। तो हम लोग उठे, नाश्ता पानी करे, मैंने गोश्त वगैरह लेके आया, अब खाना वाना बनने की तैयारी चालू है। और हम यहाँ पर महत बाबू वहाँ पर बिस्किट खा रहे हैं और आंटी और फज्जू बैठे, अशू बैठे, चाचा तो चले गए रात में, पहुँच भी गए बम्बई। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमारा आगे का दिन कैसा होगा, कैसा निकल, पानी वानी भरा माशाल्लाह अच्छा, चलिए देखते हैं। और धूप तो भैया काफ़ी ज़्यादा है, देखो सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आप लोगों का मुशा ब्लॉग में और महत पापा की प्यार सी दुनिया में। सो गाइज, हम सो के उठ गए दोपहर में और सारा मैंने काम वाम भी कर ली, खाना वगैरह भी हो गया और आज मैंने बनाई थी दाल गोश्त तो काफ़ी मस्त बना था। तो हमने खाया हुआ, थोड़ा आराम करे, फिर मैं फ्रेश हुई, महत के अबू फ्रेश हो गए, मैंने सारा काम कर लिया और अब हम निकल रहे हैं गार्डन के लिए। और मेरी सारी पैकिंग भी हो चुकी है, मैंने महत के अबू की कपड़े भी ले ली कि मतलब वो पीछे से सिर्फ आ जाएंगे, उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं गार्डन क्योंकि आंटी लोग आए हैं, फिर लोग भी कल चले जाएंगे अब्दुल्ला भाई के घर पर और मैं भी चली जाऊँगी। तो लोग पहुँच रहे हैं गार्डन और अभी हम निकल रहे हैं, तो ऐसे ही जाएँगे, थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, फिर वहाँ से आगे हम रात में थोड़ा आराम करेंगे, फिर खाना ना खा के इंशाल्लाह निकल जाएंगे, बस बस मिल जाए आज। तो चले चलते हैं, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और महत पापा भी रेडी हैं, बस महत के अबू रेडी हो रहे हैं, चले उनसे मिलते हैं, देखते वो क्या कर रहे हैं। सो गाइज, हम एकदम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं बाजी घर की तरफ, कहाँ जाने का, वहाँ गार्डन जाने का है। हाँ तो चलिए गाइज निकलते, चल महत चलो, और चलो मैडम, चलिए चलिए चलिए। और मैडम मेरे साथ अभी और कुछ समय तक ही है खाली, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो जितना भी टाइम है साथ में टाइम एक्सपेंड करते हैं, चलो महत चलो चलो चलो। तो हम पहुंच चुके हैं और मैंने यहाँ पे टिकट भी ले ली, महत के अब्बू मेरी और महत के अब्बू हैं पानी लेने के लिए, तो अब देखते हैं कब वो आते हैं। और लोग अंदर बैठे हैं तो ये आ गए, चलो मैं टिकट ले ली। ओ हम आ गए अंदर और देखो हमने पानी की बोतल भी खरीदी इतनी बड़ी वाली क्योंकि उन लोग पानी लिए नहीं, भूल गए, तो फिर हम लेके जा रहे बोले उन लोग ने, इस वजह से दो दो बोतल संभालने से अच्छा है कि हाँ ना। चलो देख यहाँ पे देखो कितनी मस्त, कितनी सारी है, तोड़ने दे रहे ना? नहीं, हाँ तोड़ने दे रहे पर हाँ जाना चाहिए कुछ वहाँ पे, बहुत ऊपर ऊपर है देखो, काफी है यहाँ, बहुत सारी है। इसका चटनी अच्छी लगेगी, चटनी बाप रे बाप, तुमको तो हर जगह चश्मा मिल जाता बाबा हीरो। चलो लो जी पानी लो, खेलू खेलू करो हाँ, अच्छे से गिरना नहीं। तो ये लोग सब यहाँ बैठे हैं, सोलिया नहीं आई क्या अभी? नहीं, बोर्ड वोर्ड में नको। इसका चालू हो गया हम लोग को भगाना, कैसा क्या गायब हुआ ना जी, बाबा छोड़ो मत मेरे बेटे को दो मिनट के लिए भी। ए महाद, तो अब गार्डन के नाम से आती नहीं क्योंकि इतना भगाता है कि मैं थक जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। तो अभी इसके अब्बू है तो पकड़ेंगे इसको, देखो हाथ छुड़ा दिया, देखें हाथ छुड़ा कड़ा कैसे ऊपर करता है ना ये भाग देखो ना कैसे रहा है, देखो ये देखो महाद। तो ये महाद के अब्बू यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे, मेरी भी डाई आना चाहिए, घर पे चले जाओ घर पे। हम लोग बैडमिंटन खेले पर मेरे साथ जितना खेलने नहीं मिलता उतना उठाना पड़ता है ना मेरे साथ बहुत उठाना पड़ता है मुझे, इतना मतलब मेरे से बार बार गिरता है क्योंकि मेरे को जमाने जमता नहीं है, तो तुम लोग लंबे है ना, मेरे को नहीं जमता खेलने, बार बार देखो ना मैं हाथ की एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो इतना भगा रहा है, देखो खेलो मम्मा खेलो,
खेलो पापा, लग जाएगा लग जाएगा। चिड़ी बैठ कुछ तो 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 गाइस ये देखिए यहाँ पे माँ बेटे का जीवन चालू है। माँ बेटे का बेटे का चालू है, माँ ने क्या कर ले मम्मा क्यों? तो सोले भी जा रही, क्या बोली सोलिया? जल्दी आ, मेरी दिल नहीं लगता, ये हमारा छोटा सा डोरेमोन है, दिल नहीं लगता इसके बिना। अरे ये तो बहुत ही इनके बिना मधु बुलाऊंगा, जल्दी आऊंगा। सॉरी सॉरी मधु मधु टाटा ले अम्मा। अरे बस करते हैं, अभी चलते हैं। कर लो बेटा, जा रही हूँ मैं। मेको अजी मेको। तो गाइज मैं सोची मैं भी थोड़ा सा उस पर झूलूँ, पर डर लगता है कल तक मेरा मुंह ये चौकड़ा हो जाएगा, फिल्टर रियलिटी में बदल जाएगा, लम्बा मुंह हो जाएगा, दांत टूटे वाला भी है ना। एक पसीना कितना आया, आप गंदा कितना हो गया। तो चले अभी चलते हैं, चले बाजी के यहाँ, मैं सोलह से भी मिल ली, बाजी से भी मिल लूँ और फिर मैं घर पे आ जाऊँगी। ORS POS। तो अब हम निकल गए, अब हम जा रहे हैं घर को, चलो हम भी आ रहे तुम्हारे पीछे पीछे, हमको मिलके भी जाना है। बाबा आ रहे, चलो इनके संभाल के जाओ, आ रही मैं। हाँ बस पहुँच ही रही हूँ, चले चलते हैं। महत्या अब्बू अब्बू महत्या अब्बू महत्या अब्बू के बिना तो मैं अधूरी हूँ। अजी तुम मेरे बिना रह पाएंगे? मैं चली जाऊंगी तो मेरे बिना कैसे रहेंगे? तुम जल्दी आना, मैं नहीं आऊंगी, तुम आएंगे। चलो बाजी के यहाँ। सो हम आगे बाजी के घर बैठे थे और महत के अब्बू जब भाईजान से भाईजान नहीं नहीं हम लोग को भूल गए थे दीदी ना, भाईजान को ध्यान नहीं था, तो महत के भाईजान को याद दिला तो हमको मिल रही है दीदी। तो चलो फटाफट लेते पिछले साल दिए थे 250 रुपए दिए थे भाजी ने हम लोग को दी। लाओ भाईजान दीदी, दो जजाक अल्लाह, चलता ईदी खुशी से जो भी आ रहा है उसको। थैंक यू, आपको नहीं मिलेगी आपकी ईदी मेरे को ही। अगली बार से ऐसी ईदी नहीं देंगे, अगली बार से अच्छे से देंगे। कार्ड वाला अभी वही चल रहा है। हाँ भाई 50 मेरे को छुट्टे करा के दे देना, अब भी बोल रहा हूँ। हाँ ईदी 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 कितनी कितनी खुशी होती ना ईदी लेके, पर अच्छा लगता है। और अभी बम्बई जाऊंगा तो फारूक भाई से भी लूंगा ईदी। हाँ ये बार मेरे भाई ने मतलब सबको कार्ड बना के दिया, मेरा कार्ड रखा है घर पे। लोगों का खाना वगैरह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बेहतरीन जबरदस्त हो गया। और अभी इस वक्त हो रहे हैं रात के 11:15 एंड हमने जो लस्सी लेके आए थे शबनम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो शबनम जा रहे नहीं बम्बई फिर? ओ महाराज मतलब नहीं जाने वाले आप? ठीक है, वो देखो उसको, पकड़ो पकड़ो उसको, चल निकल जल्दी, इधर आ जाओ जल्दी, इधर आओ जल्दी, इधर आओ। आराम से आप, नहीं तो एकदम फंसा। क्या बात है, क्या बात है, लस्सी कैसे बनती है? दूध से? दही से होगा। तो दही कैसे बनता है? दूध से? दूध से। दूध कैसे बनता है? दही से। तो पहले दूध बना या दही बना? पहले दूध बना, काय से दूध निकल के आता है तो उसको फाड़ के दही बनाते, दही से ये सब बनाते। अच्छा आता है, मालूम है।
सो गाइस हम खाना पीना खाने के बाद लस्सी वगैरह पी और बैठ गए। महंत बाबू सो गए हैं और शबनम जा रहे हैं अभी मुंबई, मुंबई के लिए निकल रहे हैं शबनम। कुछ नहीं करने दो, पूरा चौपड़ कर दिए मेरे को। सब टेंशन मत लो, तुम्हारे तुमको और छपरे पे रख दो ना, ऐसा देखते ना ऐसा। कल भी जा दूंगा कल। और क्या बोलते शबनम? और गाइस आज एक बात खुशी की ये हो गई है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें छोड़ी हैं, मतलब अटैक किया है। तो सुबह से आज हम लोग कंटिन्यू वही सब रील देख रहे थे, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी उसकी। तो कुछ 200 मिसाइल का मतलब बता रहे हैं कि 200 मिसाइल ईरान ने इसराइल पर छोड़ी है। तो बहुत ही अच्छा काम हो गया, मैं तो बोलूँगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ। इन लोग को भी एहसास होना चाहिए कि वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं फलस्तीन में, वहाँ पे जैसा जुल्म कर रहे हैं, जैसा वहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब इतना थोड़ा बहुत समझ में आता है, एक वो और दो और समझ में आता है। लोग कब से 90-100 साल से लोग लड़ते। तो भाई मैं तो बहुत खुश हुआ जैसे ही मैंने रील देखा, फिर मैंने उसकी तहकीक की तो वाकई मतलब असली था वो। मुझे पहले लगा कि फेक थी, फिर दो तीन बार मतलब मैंने भी देखी और ईरान ने मतलब ओपन चैलेंज किया कि जो इसराइल को सपोर्ट करेगा मतलब उससे हम उससे भी वॉर करेंगे मतलब उस। तो देखते हैं, अल्लाह बस कामयाबी दे ईरान को इस वॉर में। तो गाइस देखना, आप लोग भी दुआ करना फलस्तीन के लिए कि अल्लाह वहाँ के लोगों के दिलों के हाल पर रहम करें और उन लोग की भी ज़िंदगी में चैन सुकून इज़्ज़त राहत दे। क्योंकि क्या है, अब कुछ नहीं बचा, सब तो ख़त्म ही हो गया वहाँ पर भी। हम देख रहे हैं डे बाय डे, मतलब कुछ नहीं है, सब जिधर उधर मतलब हो गया। तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। आज हम लोग खुद पेरेंट्स बने, बच्चे के बाप बने, तो ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि यार वाकई किसी का बच्चा किसी से दूर हो जाना माँ बाप से, तो कितनी दुख की बात है। तो गाइस चलिए, खैर बातें तो होती रहेंगी। शबनम का जाना आज कैंसिल हो गया, मेरे लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि शबनम आज का दिन भी मेरे साथ ही है। और तुम कौन सा साथ में थे? बाजी के यहाँ से लाए, छोड़ दिए, पता नहीं कहाँ चले गए। सब खाइड दूंगा ना, घर में ही था, पानी लाने खाली गया था अभी। अच्छा, जब भी कहाँ थे दो घंटा? जब बाजी के यहाँ से लोग घर में लाके छोड़े, कहाँ गए थे? कैसा दो घंटा, आधा घंटा क्या, दूध लेके आया था। तो अरे यार, हाँ यार गाइस ये कुछ भी बोलते रहते तो इनकी। फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी और आज का हमारा दिन भी यही ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो हर बार की तरह इस बार भी प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना। अरे गाइस कि मैं कल पक्की वाली में निकल जाऊँ, इतना सुंडी नाला जाए मेरे पीछे, तो मैं कल निकलूँ भैया, मैं भी जाऊँ जरा आराम करूँ, सुकून मिले जरा मेरे को, मेरी को ये ना जाने नहीं दी मेरे को आज, कैंसिल कर दिए मेरा। कल भी जा दूँगा, कल भी जा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट। और कहाँ मिलते हैं? मुंबई में कल इंशाल्लाह। क्या खुशी, तो देखो बात, खुशी फाइट टू वन नहीं रहेगी क्या? तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।